दोस्तों मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में पेंशन कैसे अप्लाई करेंगे ऑल स्टेट के बारे में बताने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहें, लास्ट तक देखें, तभी आप पेंशन घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं और अपने मोबाइल से ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों तो इस इंटरेस्टिंग वीडियो में बने रहें और अपना घर का जिसका 60 साल हो गया विधवा पेंशन बनाना है, विकलांग पेंशन बनाना है, इस माध्यम से आप अप्लाई करके उनको पेंशन बना के दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए उमंग पे आ जाना है। उमंग वन ऐप मेनी गवर्नमेंट सर्विसेज इसके अंडर आते हैं, तो इसको आपको पोर्टल में ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद देखिए यहाँ पर लॉगिन रजिस्टर का बटन खुल रहेगा, उसमें आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर लोडिंग होगा, थोड़ा सा लोडिंग होने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर लेना है। रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर लेने के बाद अपना मोबाइल नंबर OTP डाल के यहाँ पर अपना ID बना लेना है और उसके बाद लॉगिन के बटन पर जाके क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर लॉगिन विथ MPIN, अपना जो MPIN बना है और मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है, लॉगिन होने देना है। लॉगिन होने देने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सर्च का बटन आपको शो करेगा। सर्च का बटन शो करने के बाद यहाँ पे सर्च के बटन पे जाके क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे पेंशन लिख देना है। पेंशन लिख लेने के बाद थोड़ा सा इंटर का बटन दबा देना है। दबा देने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद यहाँ पर नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम NASP शो करेगा आपको, तो उसमें क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से सब ऑल स्टेट ऑल राज्य का आप बना सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइट है, तो अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद देखिए यहाँ पे पोर्टल लॉगिन लेगा, थोड़ा सा यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। स्कीम नेम यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे चार प्रकार का पेंशन यहाँ पे खुल जाता है। IGNDP यहाँ पे जो भी आप जिस प्रकार से लेना चाहते हैं, मैं विकलांग पेंशन आपका सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको किस प्रकार के अप्लाई करना है। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे एरिया जो आप रूलर में आता है, तो रूलर सेलेक्ट कर लेना है। रूलर सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे अपना जो सब डिवीज़न है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे विलेज सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हैबिटेशन आप जिस विलेज के अंदर आते हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम डाल देना है, उसका पति या फादर का नाम डाल देना है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेने के बाद उसका डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है। डाल देने के बाद यहाँ पे एज ऑटोमेटिकली फिल्ड हो जाएगा। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस सेलेक्ट कर लेने के बाद वहाँ पे पिन कोड डाल देना है। चलिए मैं आपको एक एक चीज़ आपको डाल के दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले किस प्रकार से आपको ये एप्लीकेशन पूरा फिल करना है। यहाँ पे इस प्रकार डालने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट का जो बटन आता है उस पर क्लिक कर लेना है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद डिजेबिलिटी यस, ये विकलांग पेंशन है इसलिए डिजेबिलिटी का ऑप्शन शो कर रहा है। यहाँ पे आप जिस स्कीम पे लेना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चार प्रकार से आप पेंशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे डिजेबिलिटी पेंशन है, तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ डिजेबिलिटी डाल देना है। उसके बाद डिजेबिलिटी टाइप डाल देना है। डिजेबिलिटी टाइप 2 में आप डाल सकते हैं और नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद बेनिफिशियरी का नंबर डाल देना है, ये ऑटोमेटिकली छोड़ देना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे IFSC कोड डाल देना है। उसके बाद आधार नंबर बेनिफिशियरी का डाल देना है और आधार नंबर और नेम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर अपलोड कर देना है और डॉक्यूमेंट्स में आपका विकलांग सर्टिफिकेट अपलोड कर देने के बाद सबमिट के बटन